हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरीज। फ्रेंड, आज जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, इस स्टॉक को मैं रिकमेंड किया था 11 रुपया में, फिर मैंने 16 रुपया में भी एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि ये स्टॉक आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। और मैं अगस्त में कहा था 2021 में, और इसमें अच्छा खासा पम्प दिया। ओके, ऐसा नहीं कि डाउन नहीं देखने को मिला, अभी डाउन देखने को मिला तभी ना मैं आपको लिए वीडियो बना रहा हूँ, फिर से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज का स्टॉक का। फ्रेंड, इस स्टॉक का नाम है इकोबोट इंडस्ट्री, और इकोबोट इंडस्ट्री एक इंडियन बेस्ड कंपनी है और इसका इतना अच्छा काम काज है, इतना परफॉर्मेंस अच्छा है इस कंपनी का कि आप जो है कुछ अमाउंट अगर रख देते हैं इन फ्यूचर, इसमें आपको एक अच्छा साइन देखने को मिल सकता है। एक कंपनी जो है बेसिकली बोर्ड के ऊपर काम करता है। अब किस तरह का बोर्ड, ये तो मैं आगे चल के बताऊंगा। एक बात याद रखिए, इसमें जो है इको एनर्जी सिस्टम भी यहाँ पर जो है देखने को मिलता है इस कंपनी में। अब इको एनर्जी सिस्टम और ये बोर्ड प्लाईवुड बोर्ड जो होता है, इस तरह का बोर्ड का जो है काम करता है, और वुड बेस्ड फर्टिलाइजर बोर्ड इसमें देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मैन्युफैक्चर करते हैं और किस तरह से इसका कामकाज होता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इसका फंडामेंटल क्या है। सोफेन, अगर इसका मार्केट कैप का बात करें तो मार्केट कैप जो है 35.8 करोड़ का अभी करंट मार्केट कैप है। करंट प्राइस 20 रुपीज है। हाई का अगर बात करें, देखिए 32 तक हाई दिया था, लो जो है 4.26, और मैंने आपको 11 रुपीज में रिकमेंड किया था इस स्टॉक को। स्टॉक पे अगर बात करें तो कुछ नहीं है, बुक वैल्यू 9.62 है, तो बुक वैल्यू से भी हाई दे दिया है। डिविडेंड कंपनी नहीं दे रहा है। आरओसी जो है 2.67% है, लेकिन आरओई नेगेटिव में है 5.76। फेस वैल्यू 10 रुपीज है। डेथ का बात करें तो 24.4 करोड़ का डेथ है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व नहीं है, तो यहाँ पर डेट टू प्रॉफिट निकल कर आता है 11.4% का। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न का बात करें तो देखिए 1 ईयर में 298% का रिटर्न एंड 6 मंथ में -33.3% का, यानी कि नेगेटिव में 6 मंथ में इसका रिटर्न है। देखिए इस तरह का जो कंपनी होता है ना, इसमें आपको लॉन्ग टाइम में जाना चाहिए। आपको अगर 1 साल 2 साल के लिए आप इस सब स्टॉक को कुछ अमाउंट में, ज़्यादा नहीं कह रहा, कुछ लॉस अमाउंट कि आपका अगर लॉस हो जाए उस अमाउंट से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आप पकड़ लीजिए 10,000 इन्वेस्ट कर रहे कोई स्टॉक में, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, उसमें से जो प्रॉफिट आपको मिलता है वहां से 1-2 हज़ार जो है इस तरह के स्टॉक में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यही स्टॉक आपको फ्यूचर में अच्छा खासा बेनिफिट दे सकते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो देखिए इसका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है 1.78 है। अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो 2.14 का फिगर है, एंड ये एनुअल में था लेकिन क्वार्टरली में एक नेगेटिव है -0.96। सेल ग्रोथ लेकिन कंपनी का 131% का देखने को मिला है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 71% का है। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो है 1.20 है, एंड सीएमपी जो है 31.3 है। तो कंपनी का फंडामेंटल का बात करें तो सेल ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ का अगर आप इग्नोर करते हैं तो कंपनी लेकिन उतना बुलिश साइन में, उतना स्ट्रॉन्ग साइन में नहीं है अभी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसका फाइनेंशियल रिजल्ट का। फाइनेंशियल रिजल्ट में यहाँ पर जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट है, दिसंबर में 11.48 था, लेकिन मार्च में 22 में जो है 3.36 का यहाँ पर सेल का फिगर देखने को मिल रहा है। 21 का अगर बात करें तो 21 से यहाँ पर हाई है, लेकिन 21 में भी यहाँ पर जो है एक डिक्रीज साइन देखने को मिला है आज का डेट में। अगर बात करें एक्सपेंसिस का तो जहाँ पर 10.18 का दिसंबर में फिगर था, मार्च में 6.08 का फिगर देखने को मिला है, एंड ईयर ओवर ईयर में 6.26 का फिगर देखने को मिला था। अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है नेगेटिव में -2.14 का। साथ ही साथ अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बात करें तो अभी जो है इसमें एक नेगेटिव साइन है -0.96, जहां पर 0% का टैक्स देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी यहां पर नेगेटिव में है, तो क्वार्टरली रिजल्ट में उतना अच्छा साइन नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बात करें, कंपनी 21 में जो है 15 का जो फिगर है देखने को मिला था सेल में, और 22 में 34 का फिगर देखने को मिला है। अगर एक्सपेंसिव का बात करें तो 15 देखने को मिला है, एंड यहाँ पर 22 में 33 का फिगर देखने को मिला है। तो देखिए ये कंपनी जो है मार्च में एक पॉजिटिव साइन लेकिन दिया है, लेकिन 2021 में एक नेगेटिव साइन था यहाँ पर, ठीक है। तो 1.12 का एक पॉजिटिव साइन है। तो इसका अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बात करें तो 2.14 2022 में, और 21 में 11.26 का फिगर देखने को मिला था। और इसका अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो दोनों में ही सेम देखने को मिल रहा है। सो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक अच्छा साइन आपको दिया है, लेकिन खूब, लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पर साइन अच्छा नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड करूँ इस स्टॉक को। तो इसका कामकाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंपनी को ग्रोथ देने के लिए, क्योंकि ये एक इकोबोट कंपनी है, और यहाँ पर जितने भी आपको बोर्ड देखने को मिला, जितना भी बोर्ड का प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है, यही कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। होम, किचन, होटल, ऑफिस, शोरूम, एटीएम, बैंक, यहाँ पर जो है इसका मेटल का यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कंपनी स्टेडियम ले लीजिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ मूवी एंड
सीरियल में भी इसका जो है प्रोडक्ट यूज होता है, तो यूज का कमी नहीं है, इसका प्रोडक्ट हर जगह में मैक्सिमम जो है आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये था इसका प्रोडक्ट के बारे में। अगर बात करें इस कंपनी का बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट के मामले में सबसे पहले हम लोग रिजर्व देखते हैं। देखिए रिजर्व का मामले में 2021 में जहाँ पर -2.71 का फिगर था, 2022 में -0.68 का फिगर मिला है। तो अपना रिजर्व जो नेगेटिव है इसको कम करने का लेकिन कंपनी कोशिश कर रहा है। कर्जा का बात करें तो जहाँ पर 30 का फिगर था 21 में, 22 में 24 का फिगर मिला है। तो इसका टोटल एसिड निकल के आता है 2021 में 72 एंड 2022 में 62। तो एक अच्छा साइन में कहूँगा, कंपनी कोशिश कर रहा है ट्रैक में आने का। अगर कैश फ्लो का बात करें तो कैश फ्लो लेकिन 2022 में नेगेटिव है, लेकिन 2021 में पॉजिटिव साइन देखने को मिला था। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, इसका जो डिविडेंड है उतना एक्टिव नहीं है, साथ ही साथ जो है ये ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, और सबसे बड़ा बात इसमें ना ESM का झमेला है ना GSM का झमेला है, और प्रमोटर का प्लेज भी नहीं है इसमें। तो ये एक अच्छा साइन है कंपनी का। ओके, इसके अलावा अगर बात किया जाए इसका ब्रांड, इसका क्लाइंट का, जैसे कि टाटा है, GVK, ICICI बैंक और गोदरेज जैसा बड़ा ब्रांड, दिग्गज ब्रांड इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसका फंडामेंटल का। फिर अगर इसका फंडामेंटल का बात करें तो देखिए इको बोर्ड इंडस्ट्री लिमिटेड ये जो कंपनी है ये सिर्फ BSE में ट्रेड होता है और यहाँ पर 20 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है और इसमें तेजी है 3.86% का, बहुत ही कम वॉल्यूम इसमें देखने को मिल रहा है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो डेली बेसिस पर देखिए यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं है, वीकली का अगर बात करें तो वीकली में भी कोई रिजल्ट नहीं है, एंड मंथली का अगर बात करें तो मंथली में यहाँ पर जो है कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, अब आगे बढ़ के अब मैं देखूंगा कि इसके साथ आपको क्या करना चाहिए। अब शेयर होल्डर का अगर बात करें तो देखिए शेयर होल्डिंग में पब्लिक के पास कितना है 42 एंड प्रमोटर के पास कितना है 57। देखिए प्रमोटर के पास लेकिन 62 था, पॉजिटिव साइन है ये, एक भी प्लेज यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर फाइल्स एंड डील्स यहाँ पर लेकिन बहुत ही कम आपको देखने को मिल रहा है। डील्स भी है, फाइल्स भी है, एंड पब्लिक के पास इसका जो है आपका शेयर होल्डिंग है। तो प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा इसका शेयर होल्डिंग आपको देखने को मिल रहा है। फॉरेन कंट्री का इसका लेकिन शेयर है, ये भी याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कितना परसेंट का, 0.04% का, बहुत ही कम मार्जिन का है। अब इसका एडवांस चार्ट का बात करते हैं, तो अगर एडवांस चार्ट का बात करें तो ये कंपनी जो है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इको बोर्ड इंडस्ट्री ये कंपनी जो है अभी इस जगह पे यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और ये जो जगह है, मैं इस जगह का बात करूँ, ये जो जगह है अगर ये ब्रेक करता है इसको तो ये सीधा यहाँ पर आएगा, इस जगह में ये कोशिश करेगा इस जगह में रुकने का। ओके, यानी कि 17-16 का बीच में ये ट्रेड करने का कोशिश करेगा, और अगर इसका नीचे गया तो पूरा ये जो है इस जगह को एक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है 6.31 का। तो बी केयरफुल निवेश करने से पहले, थोड़ा सा रुक जाइए। और अगर यहाँ से बाउंस बैक लिया, देखिए ये सपोर्ट जोन इसका ये वाला था, ठीक है, ये वाला इसका सपोर्ट जोन था, लेकिन इसको ब्रेक करके यहाँ पर आ रहा है और बाउंस बैक अगर लिया तो यहाँ पर इसका एक हाई लगेगा इस जगह पे 24 रुपीज़ तक आपको देखने को मिल सकता है ये। उसके बाद अगर फिर से अप हुआ तो यहाँ पर जो है इस जगह पे 27 तक आपको देखने को मिल सकता है, और इसको अगर ब्रेक करने का कोशिश करा तो अच्छा खासा रैली इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं है अभी इसमें जो है उस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अभी लोअर सर्किट में ही आपको इसको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आप लेकिन इसको छोटा अमाउंट अभी उठा सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस कंपनी का SWOT का, जिसमें कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट के बारे में पता चलता है। तो ये जो है आप खुद से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो को शॉर्ट करना चाहता हूं, ज्यादा लॉन्ग हो जाता है वीडियो मेरा। तो देखिए फ्रेंड, ये जो स्टॉक है इको बोर्ड इंडस्ट्री लिमिटेड, इसका अगर मैक्सिमम का बात करें तो ये कंपनी जो है एक नेगेटिव साइन के साथ देखने को मिला था। ऑल टाइम इसका जो रिटर्न है 58 का एक नेगेटिव साइन है। यहाँ पर देखिए ये कंपनी 1995 से स्टार्ट हुआ था, एंड यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। 49 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था, फिर इसमें गिरावट आया है तो उस तरह का, लेकिन परफॉर्मेंस इसमें अभी तक 49 का देखने को नहीं मिला है। मैं आपको 11 रुपया 16 रुपया में इसको रिकमेंड किया था अगस्त में, और आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिला होगा। ऑन मंथ में एक नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है, 6 मंथ का अगर बात करें तो यहाँ पर भी नेगेटिव है, 1 ईयर में जो है यहाँ पर
300% का एक रिटर्न दिया है। मैं आपको इस जगह में बात किया था अगस्त में 11 रुपया 16 रुपया का बीच में मैंने जो है इसको लेने के लिए बोला था और ये कितना हाई लगाया था यहाँ पर 31 रुपीज से। और अगर मेरा वीडियो देखकर कोई भी परचेस किया है इस स्टॉक को तो उसको जो है अच्छा खासा बेनिफिट इस स्टॉक से मिल गया होगा। तो फिर जाते जाते मैं यही कहूँगा कि हर स्टॉक जितना भी स्टॉक आपको देखने को मिलता है हर स्टॉक में खुद का एनालाइज करें, खुद का रिसर्च करें, फिर जो है आप निवेश करें। हम लोग जितना भी यूट्यूबर आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करते हैं आपको जस्ट एक एडुकेशन पर्पस के लिए उस वीडियो को प्रेजेंट करते हैं। ये बात अलग है कि आप उस वीडियो को देख के निवेश कर देते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि किसी का भी कोई भी यूट्यूबर जो लोग इन्वेस्टर है कोई भी इन्वेस्टर का बात सुनकर आप निवेश करें, आप खुद का एनालाइज भी जरूर करें। तो फिर जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है यार इस तरह का वीडियो बनाने के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।